बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ, एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, एमटी कैट के हवाले से जो उनके सोशल मीडिया के पेजेस के ऊपर, ट्विटर पर जो है एक स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज शेयर किया गया है, उसकी डिटेल आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने व्हाट्सएप के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये न्यूज़ शेयर कर दी है, और जो स्टूडेंट्स अभी तक, जिन स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया, मेरे डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाए हुए हैं, तो जो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर जो है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसके ऊपर मैसेज करके आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जो है वो एजुकेशनल से रिलेटेड तमाम तर न्यूज़, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स, एंट्री टेस्ट, यानी कि तमाम मेडिकल और इंजीनियरिंग के हवाले से तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करता रहता हूं। तो वो फ्री में आप लोग जो है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, थ्रू व्हाट्सएप मुझसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 03024993133 मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर टेक्स्ट करके आप जो है वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से ट्विटर पर और फेसबुक के उनके जो पेज है उसके ऊपर भी जो एमडी कैट की लेटेस्ट न्यूज़ शेयर की गई है, वो ये है कि जितने भी 4 ईयर और 5 ईयर के अलाइड हेल्थ साइंसेज के डिग्री प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए भी एमडी कैट को मैंडेटरी करार दे दिया गया है। ये बहुत बड़ी चेंजिंग्स हैं यूएचएस की तरफ से, ये जो है वो इस न्यूज़ को शेयर किया गया है। तो जाहिर सी बात है, अगर अभी जो है वो यूएचएस की तरफ से शेयर किया गया है, तो बाकी प्रोविंस की तरफ से भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये न्यूज़ जो है वो उनके जो मुतलका उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मेडिकल और डेंटल कॉलेज का जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं, उम्मीद करते हैं उनके उनकी तरफ से भी ये जो है वो अपडेट शेयर कर दी जाएगी। इसकी अगर हम तफसील में जाएं, तो पहले क्या होता था कि जितने भी एमबीबीएस और बीडीएस के कॉलेजेस हैं, मैंने अपनी अक्सर वीडियोस में स्टूडेंट्स को बताया है कि वो अलाइड हेल्थ साइंसेज के डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं, जिनमें फॉर्म डी, डीपीटी, उसके अलावा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, एनेस्थीजिया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज की, जो डिफरेंट मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से हर साल जो है वो शेयर की जाती हैं। और इनमें जो है वो ऑलमोस्ट किसी प्रोग्राम्स में जो है वो 40-40 सीट्स होती हैं, और कुछ प्रोग्राम्स इनके ऐसे भी हैं जिनमें जो है वो 10-10 सीट्स होती हैं। और इनमें लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, तो एडमिशन कुछ इस तरह से होते थे कि स्टूडेंट्स ने जस्ट जो है वो एफएससी की मार्क्स की बेस पे उनको जो है वो एडमिशन मिल जाता था। यूनिवर्सिटी मोस्टली यूनिवर्सिटीज कोई अपना भी टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाती थी, ना ही उनकी रिक्वायरमेंट होती थी। कुछ यूनिवर्सिटीज थी जो ये जो है वो एमडी कैट को रिक्वायर्ड करती थी कि एमडी कैट आपने कम से कम जो है वो पासिंग मार्क्स हासिल किए हों, मगर यूएचएस की तरफ से इस साल जो है वो ये न्यूज़ शेयर कर दी गई है कि अब अलाइड हेल्थ साइंसेज में भी अप्लाई करने के लिए आपको एमडी कैट में जो है वो अच्छे मार्क्स हासिल करना ज़रूरी है। क्योंकि जो क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल, अगर क्राइटेरिया सेट किया जाता है 10% मैट्रिक की वेटेज, 40% एफएससी की वेटेज और 50% एमडी कैट की वेटेज, तो यूएचएस ने ये कहा है कि ये सेम वेटेज अब अलाइड हेल्थ साइंसेज में एडमिशन के लिए भी अप्लाई होगी। यानी कि अगर स्टूडेंट्स एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा अलाइड हेल्थ साइंसेज में भी अप्लाई करते हैं, तो उनका जो वेटेज फार्मूला होगा जिसके तहत स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा, वो भी जो है वो 10% उसमें मैट्रिक के मार्क्स को शामिल किया जाएगा। मैट्रिक के मार्क्स की वेटेज को 40% जो है वो एफएससी के और 50% जो है वो एमडी कैट की वेटेज को शामिल किया जाएगा। तो ये ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने ये माइंड बनाया हुआ था कि उन्होंने जो है वो एमबीबीएस या बीडीएस में उनका एडमिशन नहीं होगा, उनके मार्क्स कम है, तो उन्होंने जो है वो अलाइड हेल्थ साइंसेज में एडमिशन लेना है, जिसके लिए उनको जो है वो एमडी कैट देने की जरूरत नहीं है, उनका वैसे ही जो है वो एडमिशन हो जाएगा। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, एक बहुत बड़ी अपडेट है कि उनको जो है वो लाजमी तौर पे एमडी कैट को अब पास करना पड़ेगा। सिर्फ पास ही नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उनको जो है वो अब एमडी कैट के अंदर अच्छा स्कोर भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एमडी कैट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तो उसकी बेस पे ही उनको जो है वो अलाइड हेल्थ साइंसेज की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में उनका नेम आएगा, वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना जो है वो एडमिशन सिक्योर कर पाएंगे। तो मेरे जो है वो चैनल के ऊपर भी मैंने उस न्यूज़ को जो है वो शेयर कर दिया है, और उसकी डिटेल भी मैंने आप आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता दी है। तो इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, उसके ऊपर भी जो है वो आप मैसेज करके अपने कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप जो मुझे है वो डायरेक्ट टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफिज़।